केंद्र सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को देगी प्रशिक्षण। लोकल से ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए दी जाएगी वित्तीय मदद। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 131 नए मामलों की पुष्टि हुई, वहीं 118 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। भारतीय और राज्य पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों की नई पदस्थापना, अजय कुमार यादव होंगे रायपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक। और महासमुंद जिले में नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का गठन करेगी। इसके लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना की शुरुआत की। यह योजना 10,000 करोड़ रुपए की है। उन्होंने बताया कि देश में 25 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं। इनमें 80% तो पारिवारिक उद्यम के रूप में चल रही हैं। योजना के तहत इन इकाइयों को प्रशिक्षण देकर उन्हें लोकल ब्रांड से ग्लोबल बनाने में मदद की जाएगी। चाहे कोई अचार, कोई पिकल, कोई टेक्नीशियन, कोई किसी कोई घी मक्खन बनाना चाहता है, कोई दूध की फैक्ट्री में या किसी और फैक्ट्री में काम करना चाहता है, तो आपको वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे आप किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप एडजस्ट हो सकते हैं। एक कोर्स का तकरीबन 3 महीने का कोर्स होगा और उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आपको रोजगार के यू विल बी ट्रेन्ड विद अ सर्टिफिकेट in your hand and which will make you more employable. So especially for our SCs, our STs, absolutely free training classes via the electronic media will be launched, which will be in 2 months it will be active. It will be a 3-month course and there are 41 sectors in which you can get trained, whether it is you want to be an entrepreneur or you want to go and join any food processing industry, one of these 41 courses, or you can do more than one of them, they are all totally free of cost, and this will enable you to be employable in any food processing industry. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता तैयार होगा और 9 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, स्व सहायता समूहों और आकांक्षी जिलों पर फोकस किया जाएगा। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 131 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 47 नए मामले आज पाए गए हैं। इनमें राजनांदगांव से 48, रायगढ़ से 12, कवर्धा से 8, बिलासपुर से 9, दुर्ग से 16, गरियाबंद से 12, रायपुर से 10, जांजगीर चांपा और महासमुंद से 3-3, कांकेर से 2 और बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार तथा नारायणपुर से 1-1 मरीज शामिल हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,694 हो गई है। इनमें से 619 मरीजों का फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कल 118 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोंडागांव जिले में अब कोरोना संक्रमण का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। इंडियन तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP का कोरोना संक्रमित 3रा जवान भी स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस जवान के स्वस्थ होकर लौटने के बाद दूसरे साथी जवानों ने उनका स्वागत किया। ITBP के प्रभारी कमांडिंग ऑफिसर कलीम खान ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए सभी 3 जवान पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। जिले में 3 जो पॉजिटिव केसेस थे वो
उनमें से दो लोग पहले से ही ठीक होकर आ चुके हैं। आज आखिरी केस जो था जो पॉजिटिव थे वो भी निगेटिव घोषित किए जा चुके हैं। उनका नाम सतवीर सिंह था जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले थे और यहाँ आने के बाद जिनका टेस्ट किया गया था तो उस टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए थे। उनको फिर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आज उनकी जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव हो गया। अब कोंडागांव जिला जो है कोरोना मुक्त हो गया। मैं ITEP की तरफ से और सभी की तरफ से प्रेस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि अब हम कोंडागांव जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर सकते हैं। इसी तरह राजनांदगांव के पेंड्री स्थित कोविड अस्पताल से भी कल 165 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इनमें राजनांदगांव शहर के ही 60 मरीज शामिल हैं। इन मरीजों में एक 5 साल की बच्ची और 85 साल की बुजुर्ग महिला भी कोरोना की जंग जीतकर घर लौटी। जिले के लखोली क्षेत्र में एक ही परिवार के कुल 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस परिवार के 38 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर इन्हें इनके घरों के लिए विदाई दी। वहीं घर लौटने पर इन मरीजों के पड़ोसियों ने थाली और ताली बजाकर स्वागत किया। जिले में अब तक कुल 158 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के बाद प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय और राज्य पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। इस सूची के अनुसार दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव को रायपुर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले की कमान संभाल रहे प्रशांत ठाकुर को दुर्ग जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार EOW में पदस्थ इंदिरा कल्याण एलएसएला को बलौदाबाजार भेजा गया है, जबकि रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को EOW और ACB का उप पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 4th वाहिनी माना की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी BS ध्रुव को सहायक पुलिस महानिरीक्षक नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी TR कोशिमा को सरगुजा, रामकृष्ण साहू को बलरामपुर, बालाजी राव सोमावार को जशपुर और सिद्धार्थ तिवारी को कोंडागांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न रोजगार मूलक कार्यों के जरिए आर्थिक रूप से सक्षम होने में बड़ी मदद मिल रही है। रायपुर के पास सेरीखेड़ी स्थित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में भी महिलाएं कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने इस सेंटर का निरीक्षण किया। इस केंद्र में उजाला ग्राम संगठन की महिलाएं न केवल तरह तरह के सामान बना रही हैं, बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं। श्री सिंहदेव ने इस केंद्र में साबुन, सैनिटाइजर, पेंसिल, चप्पल, बांस शिल्प, अगरबत्ती और मास्क के साथ गमला तैयार करने की गतिविधियों को देखा। इतना ही नहीं, ये महिलाएं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फेस शील्ड बना रही हैं। मंत्री ने महिलाओं द्वारा बनाए गए फेस शील्ड लगाकर केंद्र का निरीक्षण किया। श्री सिंहदेव ने स्व सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियों की सराहना भी की। महासमुंद जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने और इसे चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बसना पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,75,000 रुपए कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भंवरपुर रोड के पास से इन आरोपियों को पकड़ा गया। ये PS बसना का मामला है। PS बसना के अंतर्गत एक भंवरपुर चौकी है। भंवर चौकी में इस सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पे नकली नोट खपाने के फिराक में है और इस पर से हमारी बसना पुलिस की टीम और भंवरपुर चौकी की टीम और SDOP साहब के साथ इन लोगों ने
उसको पकड़ने के लिए प्लान किया और इसके बाद लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मिले जिनके पास से कुछ नकली नोट मिले और उसके निशानदेही पे उड़ीसा का मुनेकल गांव है वहाँ पे हमारी पार्टी गई और वहाँ के बरगढ़ पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया हुआ था। वहाँ के जो पाइकमाल थाना है वहाँ के भी स्टाफ हमारे साथ थे और इस पर से हम लोगों ने टोटल 1,75,200 के नकली नोट बरामद किए हैं, जिस पर से थाना बसना में आईपीसी के द्वारा 489 का के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 आरोपियों में 2 उड़ीसा के हैं और 2 छत्तीसगढ़ के। इसमें जो मेन है सतपति साहू, यह गिरोह छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का काम कर रहा था। गिरोह के सदस्य अपने ग्राहकों को 36,000 रुपए असली नोट के बदले 1,00,000 रुपए कीमत का नकली नोट देते थे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना की मदद से छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में बसे गांवों तक बिजली पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सौर ऊर्जा पर आधारित इस योजना के तहत ग्रामीणों को अब बिजली के साथ स्वच्छ पेयजल भी मिल रहा है। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य क्षेत्र के बीचों बीच बसे गांव कंडा की अब तस्वीर ही बदल गई है। इस गांव में कोरवा और कोड़ाकू जाति के लोगों की बहुलता है। जंगलों से घिरे इस गांव तक पहुंचने के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन सौभाग्य योजना के जरिए हर घर में सोलर पैनल लगाकर बिजली जरूर पहुंचा दी गई है, जिससे घर घर में बल्ब और पंखे लग गए हैं। महिलाएं रात के समय भी आसानी से अपने घरों का काम निपटा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिजली नहीं होने की वजह से पहले बच्चों को पढ़ाई करने में और बुजुर्गों को अंधेरे की वजह से कई तरह की परेशानियां होती थी। काम माटी दिल रहा है, बिजली से चला रहे हैं, लाइट है तो भाई चल रहा है, तो भाई जला नहीं, सोलर लाइट लगा है तब तक आराम हो गया। पहले हम लोग अंधकार में रहते थे और बिजली बत्ती चला के रहते थे और अभी सौर ऊर्जा लग गया है, अभी कुछ अच्छा से रहते हैं उजाला में। पहले की स्थिति में अभी कुछ अच्छा हो गया है। क्रेडा के सहायक अभियंता सुमन किंडो ने बताया कि कंडा गांव जंगलों से घिरा होने की वजह से वहां तक बिजली की लाइन पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसे में सौभाग्य योजना के जरिए गांव तक बिजली पहुंचाई गई। पहले यह गांव पूरा अंधकारमय था और किसी प्रकार से कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं था। वर्तमान में यहाँ सौभाग्य योजना के तहत यहाँ 269 परिवारों को सौर होम लाइटिंग के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत इनको 5 LED लाइट और पंखा प्रदान किया गया है। इसका रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्लस्टर टेक्नीशियन रखे हुए हैं जो प्रति माह गाँव में विजिट करता है और हरेक घरों में सिस्टम को चेक करता है और जहाँ आवश्यकता पड़े तो वहाँ सुधार कार्य भी वो करता है। क्रेडा के सहायक अभियंता ने बताया कि जिले के अन्य पहुंच विहीन गांवों की पहचान की जा रही है ताकि वहां भी सौर ऊर्जा की मदद से बिजली पहुंचाई जा सके। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना की मदद से एक ओर जहां किसानों को सिंचाई में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था भी की गई है। जिले में 230 शासकीय भवनों को क्वारंटाइन सेंटर का रूप दिया गया है। यहां रुकने वाले प्रवासी मजदूरों को बिजली के साथ साथ सोलर ड्यूल पंप से स्वच्छ पेयजल भी मिल रहा है। गर्मी के दिनों में सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रामीणों को बिजली और पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्रेडा के सहायक अभियंता दीपक साहू ने बताया कि सोलर ड्यूल पंप का सिस्टम ऑटोमेटिक है, जिससे कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। 230 से अधिक जगहों पर सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना की गई है। वर्तमान में सोलर ड्यूल पंपों की आवश्यकता इस वजह से भी बढ़ गई है क्योंकि विभिन्न छात्रावास आश्रमों स्कूलों में हमने इसकी स्थापना की गई है और क्योंकि COVID-19 का भी काफ़ी यहां प्रकोप चला हुआ है जिससे प्रवासी मजदूर आके वहां ठहरे हुए हैं, तो चूँकि बिजली की इसमें आवश्यकता नहीं होती तो मजदूर भी उसका काफ़ी फायदा उठा रहे हैं, पेयजल के लिए उठा रहे हैं, साथ में उनके नहाने धोने सब के लिए वो आवश्यकता पड़ रही है। आप देखेंगे बहुत जगह बिजली लाइट गोल हो जाती है तो हमने वहाँ पावर प्लांटों की भी स्थापना की है जिसके माध्यम से हम उसमें 1 HP 2 HP का उनका ही पंप हम चलाने में सफल रहे हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लक्ष्य देश के पहुंच विहीन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाना है। इन परिवारों को सौर ऊर्जा के जरिए मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ।